हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज, इट्स कैपिटल, पार्लियामेंट एंड करेंसी के बारे में, देश और उनकी राजधानी, संसद और मुद्रा। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। फर्स्ट में ये देख रहे हैं कंट्री, कैपिटल, करेंसी और पार्लियामेंट। कंट्री के नीचे कंट्री आएगा सारा, कंट्री नेम, कैपिटल के नीचे कैपिटल नेम, करेंसी के नीचे करेंसी नेम और फिर पार्लियामेंट के नीचे पार्लियामेंट नेम। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि जैसे इंडिया कंट्री है ना, तो पूछा जाता है कि इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है या इंडिया में इंडिया के संसद को क्या कहा जाता है, तो या फिर पूछा जाएगा कि इंडिया के कैपिटल कौन है, इंडिया की करेंसी क्या कौन सी है। तो ये इंडिया का मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन इंडिया से नहीं पूछा जाता है। अक्सर जो पूछा जाता है वो ऐसा कंट्री, मीन्स एशियन कंट्री, जो ज़्यादा, मतलब हम लोग इंडिया का तो नहीं पूछा ही जाएगा, इंडिया से बाहर का पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे है इंडिया, इंडिया के तो बता ही दिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और वहाँ की जो करेंसी है उसे डॉलर कहते हैं और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें पार्लियामेंट कहा जाता है। आगे है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है उन्हें रियाद कहा जाता है, वहाँ की करेंसी को रियाल और वहाँ के पार्लियामेंट को मजलिस अल सूरा, वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, मजलिस अल सूरा। आगे है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स है और वहाँ के करेंसी को पेसो कहा जाता है और वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। आगे है बुल्गारिया, बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो सोफिया है, वहाँ की जो करेंसी है लेव है और वहाँ के जो पार्लियामेंट को कहा जाता है सीनेट कहा जाता है। जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान, जॉर्डन की करेंसी दिनार और जॉर्डन के पार्लियामेंट को कहा जाता है नेशनल असेंबली। आगे है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है और वहाँ की जो करेंसी है उन्हें वॉन कहा जाता है और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट है चाइना, चाइना की जो कैपिटल है उसे बीजिंग कहते हैं और वहाँ की जो करेंसी है युआन है और वहाँ के जो ये पार्लियामेंट नेम है वो पीपुल्स कांग्रेस है। आगे है नेपाल, नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू, वहाँ के करेंसी को कहा जाता है रुपी, नेपाली रुपी और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें कहा जाता है पंचायत, यानी राष्ट्रीय पंचायत हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में इसको कह सकते हैं नेशनल पंचायत। आगे नेक्स्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्लामाबाद ये कैपिटल हो गई और करेंसी रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस और फिर नेशनल असेंबली, इन्हें पार्लियामेंट को कहा जाता है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल जो है वो नौपिता और वहाँ के जो करेंसी है उन्हें क्यात कहा जाता है और वहाँ के पार्लियामेंट को पिथु हेल्वा कहा जाता है। नेक्स्ट है भूटान, भूटान की जो कैपिटल है उन्हें कहा जाता है थिम्पू और वहाँ के जो पार्लियामेंट है, सॉरी, वहाँ के जो करेंसी है उन्हें कहा जाता है नुगलट्रम और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें कहा जाता है टिसोंगटू, क्या कहा जाता है, टिसोंगटू। नेक्स्ट है बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ के जो करेंसी है उन्हें टाका कहा जाता है और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें जातीय संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, वहाँ की जो करेंसी है उसे रूपी कहा जाता है और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है जापान, जापान की जो कैपिटल है उसे टोक्यो कहा जाता है और जापान की करेंसी को येन कहा जाता है और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है उन्हें काबुल कहा जाता है, वहाँ की जो करेंसी है अफगानी है और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें शोरा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर दें और फिर इसे शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में। जब आप लाइक करेंगे तो इसका कलर रेड से थोड़ा फाइट हो जाएगा।
और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये टॉपिक को जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है उसे काबुल कहा जाता है, वहाँ की जो करेंसी है उसे अफगानी कहा जाता है और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उन्हें शूरा कहा जाता है। यहाँ तक हो गया था, अब आगे चलते हैं। ईरान, ईरान, ईरान की कैपिटल जो है तेहरान है, वहाँ की करेंसी जो है वो रियाल है और वहाँ के पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। आगे है इराक, इराक की जो कैपिटल है उसे बगदाद कहा, इराक की कैपिटल बगदाद है, वहाँ की करेंसी दिनार है और वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। इसराइल, इसराइल का है जेरूसलम और वहाँ के जो करेंसी है उन्हें सिक्वल कहा जाता है, सिक्वल, और वहाँ की जो सांसद है निसेट, निसेट यानी कि दा सीट, दा निसेट भी रहता है, उसी को केसेट है, के निसेट। आगे ताइवान, ताइवान की जो कैपिटल है उसे ताइपेई कहा जाता है, वहाँ की जो करेंसी है उसे डॉलर कहा जाता है और वहाँ के पार्लियामेंट को युआन कहा जाता है। नेक्स्ट है रूसिया, रसिया भी कहा जाता है इसको, रूसिया, रसिया, तो रसिया इनकी जो पार्लियामेंट, ये कैपिटल है ये मॉस्को है, मॉस्को, और वहाँ की जो करेंसी है रूबल और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसे सुप्रीम सोवियत कहा जाता है। नेक्स्ट है जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन है, वहाँ की करेंसी यूरो और वहाँ के पार्लियामेंट को बंडस्टैग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बंडस्टैग। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस और वहाँ के करेंसी को यूरो कहा जाता है और वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस वजह की वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और अगर आपको इसे रिवाइज करना हो तो वीडियो को पॉज करके 2-3 बार पढ़ लें या फिर आप अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट भी कर लें। नेक्स्ट है इटली, इटली की जो कैपिटल है रोम है, वहाँ की करेंसी जो है यूरो और वहाँ के पार्लियामेंट को चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज एंड सीनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वियना और वहाँ की जो करेंसी है यूरो और वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। स्पेन, स्पेन की जो पार्लियामेंट है वो है मैड्रिड और वहाँ की जो करेंसी है यूरो और वहाँ के पार्लियामेंट को कॉटेक्स कहा जाता है। पोर्टुगल, पुर्तगाल, पुर्तगाल जो है उनके कैपिटल जो है लिस्बन, लिस्बन है, लिस्बन भी कहा जाता है, लिस्बन। आगे यूरो, वहाँ की जो करेंसी है यूरो और असेंबली ऑफ द रिपब्लिक, ये वहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। नेक्स्ट है फिनलैंड, फिनलैंड का हो गया हेलसिंकी और वहाँ की जो करेंसी है यूरो और वहाँ के पार्लियामेंट नेम को कहा जाता है इडुस्का, इडुस्का यानी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आयरलैंड, आयरलैंड की जो कैपिटल है डबलिन है और वहाँ की जो करेंसी है यूरो है और नेशनल पार्लियामेंट इसके पार्लियामेंट को कहा जाता है। उसके बाद है बेल्जियम, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ की जो करेंसी है यूरो और वहाँ के पार्लियामेंट को सीनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है हॉलैंड, हॉलैंड के कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, आगे वहाँ की जो करेंसी है यूरो और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसे स्टेलन जनरल कहा जाता है। नेक्स्ट है लक्जमबर्ग, लक्जमबर्ग की कैपिटल जो है वो लक्जमबर्ग ही है, वहाँ की जो करेंसी है यूरो और वहाँ के पार्लियामेंट को चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहा जाता है। ग्रीस, ग्रीस का एथेंस, एथेंस यहाँ की पार्लियामेंट हो गई, सॉरी कैपिटल हो गई और वहाँ की करेंसी जो है यूरो है और पार्लियामेंट चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज है। नेक्स्ट यूके, जिसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, तो इनकी जो कैपिटल है वो लंदन है और वहाँ की जो करेंसी है पाउंड है और वहाँ के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन का स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, और फिर यहाँ की जो करेंसी है उन्हें कोटेना कहा जाता है, कोरोना, और वहाँ के सांसद को रिस्डॉ, रिस्डैक कहा जाता है, रिस्डैक। डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल जो है कोपेनहेगन, वहाँ की करेंसी कोरोना और फिर वहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है फॉल्कटिंग। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड, यहाँ की जो कैपिटल है वो बर्न है, बर्न, और वहाँ के
जो करेंसी है उन्हें फ्रांस कहा जाता है, फ्रांस, और वहाँ के असेंबली को कहा जाता है फेडरल असेंबली। नेक्स्ट है पोर्टलैंड, वार्सा, वहाँ की जो वार्सा हो गए वहाँ के कैपिटल, और वहाँ के करेंसी जो हो गया स्लॉटी, स्लॉटी, और वहाँ के सीजम, पार्लियामेंट को सीजम कहा जाता है। यूएसए, वाशिंगटन डीसी, डॉलर, कांग्रेस। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा का ओटावा, वहाँ के डॉलर, और फिर पार्लियामेंट। ब्राजील, ब्रासिलिया, ब्रासिलिया पता है ना फ्रेंड्स, याद तो हो गया होगा अब तक। हाँ, तो ब्रासिलिया वहाँ के जो कैपिटल है, और वहाँ के करेंसी रियाल, और फिर नेशनल कांग्रेस, वहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की टॉपिक, आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और फिर अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए